नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के सीतापुर के नगरपालिका बिस्वा के मोहल्ला पटेल नगर का है, जहां नगरपालिका बिस्वा के अशासी अधिकारी और जेई नगरपालिका बिस्वा की मिली भगत से अपने निजी स्वार्थ के कारण जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वही प्रॉपर्टी डीलर की निजी भूमि पर आरसीसी नाली एवं इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण नगरपालिका बिस्वा द्वारा कराया जा रहा है, जबकि नगरपालिका बिस्वा द्वारा जो टेंडर पास है जो हुआ वह संतोष रस्तोगी के मकान से आयुर्वेदिक अस्पताल तक जाने वाली इंटरलॉकिंग रोड तक आरसीसी नाली व इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण होना दर्शाया गया था, जिसकी चौड़ाई 20 फीट पास है, जिसे ना बनाकर प्रॉपर्टी डीलर को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रॉपर्टी डीलर के प्लाट की तरफ निर्माण कराया जा रहा है। जिस संबंध में मोहल्लेवासियों द्वारा लिखित शिकायत की गई, वहीं इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि कई बार अपर जिला अधिकारी सीतापुर को दूरभाष के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी और पूर्व ईओ नगरपालिका बिस्वा द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था कि एक सप्ताह में जांच कर जेई नगरपालिका दे, लेकिन ना जांच हुई ना ही कार्रवाई किया और जेई नगरपालिका बिस्वा ने निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है जेई नगरपालिका को न अपने अधिकारियों का ना डर है न शासन प्रशासन को मानती है, जबकि नगरपालिका बिस्वा में कई मोहल्लों की सड़कें बेहद खराब है, उनका निर्माण न कराकर प्रॉपर्टी डीलर के प्लाट पर निर्माण कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिले से जांच कराया जाए और निर्माण कार्य पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा की स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीतापुर द्वारा नगरपालिका बिस्वा द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगरपालिका बिस्वा की होगी। न्यूज नाइन भारत के लिए सीतापुर से शिवराज सिंह की रिपोर्ट। हल्का सा बस 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 चलो। क्या मामला है, आज आपने ज्ञापन क्यों दिया है जिलाधिकारी को? बिस्वा नगर पालिका द्वारा वहां के ईओ और जेई द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसका टेंडर हो रहा है उस पर कार्य न कराकर बगैर टेंडर प्रॉपर्टी डीलर की मदद की जा रही, वहां उनके द्वारा भारी भरकम कमीशन लेकर उनका लाभ पहुँचाया जा रहा है। जब से ईओ नगर पालिका वर्तमान में आए हैं, इनके द्वारा केवल भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है, कार्य कुछ भी नहीं कराया जा रहा है, जबकि टेंडर हुआ है उसका जो कार्य नहीं कर रहा है कराया जा रहा है, तो अन्य कार्य कैसे हो रहे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा जब जांच होगा। मेरे द्वारा इस पर पूर्व ईओ को फोन करके बताया, जिन्होंने जाँच के लिए भी लिखा, लेकिन वहाँ के जेई महोदया ने जाँच न करा के कार्य को प्रारंभ करा दिया। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ईओ नगर पालिका बिस्वा द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अगर इनके द्वारा जांच कराई जाए जिला प्रशासन द्वारा, तो करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला प्रकाश में उजागर होगा। अगर जांच नहीं होती तो आपके द्वारा क्या किया? हमारे द्वारा जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा, नहीं होगा तो राजभवन पैदल मार्च राजभवन जाया जाएगा और माननीय राज्यपाल महोदया को नगर पालिका बिस्वा के संबंध में अवगत कराया जाएगा कि यहाँ के ईओ द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाया जाए माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, जबकि भ्रष्टाचार रोक लगाने में काफी प्रयासरत हैं, लेकिन यहाँ तैनात अधिकारी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी जिला अधिकारी महोदय से मांग होगी कि इसकी जिला स्तरीय जाँच एजेंसी से तत्काल जाँच करा के ईओ नगर पालिका और जेई बिस्वा की जाँच तत्काल करा के आवश्यक कार्रवाई की जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।